तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको ले लेके आई हूँ कुछ स्टेजेस। ये स्टेज आप तब कर सकते हैं जब गर्ल्स मेंसुरल क्रिक फील हो रहा है। हम मेंसुरल क्रिक फील तब होता है जब हमारे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब हमारा पेन होना ही स्टार्ट हो जाता है और पेन फील बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम सिंपल से स्ट्रेचेस करेंगे जिससे हमारे पेल्विक मसल जो है वो बहुत ईजी हो जाएंगे और आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। इससे हम बहुत मतलब रुक रुक के जो ब्लड आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा है वो पेन हमें नहीं होगा और हम बहुत अच्छा सा फील करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट कुछ स्ट्रेचेस को। सबसे पहले मैं यहाँ अपने दोनों पैरों को अपनी तरफ मोड़ी हूँ और एकदम सीधे स्ट्रेट की तरफ बैठ गई हूँ। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई शेप या फिर बटरफ्लाई आसन या फिर बटरफ्लाई कोट। इसमें अपने आराम आराम से सर को आगे की तरफ झुकाना है, पीठ को नहीं झुकाना है, अपने सर को आगे की तरफ झुकाना है और लंबा सा सांस लेना है और सांस को लेते जाना और सांस को छोड़ना है ड्यूरिंग ये स्ट्रेचेस के टाइम पे। फिर आराम से अपने सर को आगे की तरफ झुकाना है। फिर क्या करना है, ये अपने सर को उठाना है, फिर सर को झुकाना है। यहाँ पे मैंने बताया है कि अपने हाथ को आगे की तरफ रखें, पैर को दोनों आगे की तरफ रखें और कितना पैर आगे निकालना है ये देखते रहना है। अपने सर को आगे की तरफ झुकाएं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को साइड से भी दिखाया है कि आपको कितना पैर आगे निकालना है और कितना आप आगे अपने सर को झुका सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा पेन ना हो। यहाँ पे मैंने ये दिखाया है अपने बॉडी को आराम से रिलैक्स फील करें और अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स फील अवस्था में छोड़ दें और अपने राइट साइड में अपने पैरों को ले जाएं। ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड के अपने पैरों पर करना है और अपने बॉडी को एकदम स्ट्रेट रहने दें और लंबा सा सांस लें, सांस को ले सांस को छोड़े, लंबा सा सांस ले सांस को छोड़े। ऐसे आपको राइट और लेफ्ट के साइड में अपने दोनों पैरों को करते रहना है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और प्रॉपर वे में ब्लीडिंग होता है। हाँ, और यहाँ पे मैंने आपको जो किया है ये आसन स्ट्रेचेस, ये स्ट्रेचेस बोलते हैं साइडवेज स्ट्रेचेस बोलते हैं। इसमें अपने कमर की तरफ देखना होता है। यहाँ पे मैंने अपने बॉडी को आराम से नीचे की तरफ लेके आई हूँ, एकदम रिलैक्स जल्दीबाजी। फ्रेंड मैंने ऐसे कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सिंपल स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं जब आपको मेंसुरल क्रिक हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप आराम करें, रिलैक्स रहे। पेन के ड्यूरिंग ये स्ट्रेचेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं होंगे। तो मैंने यही बताया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्ते। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर।